सो हेलो गाइस, मेरा नाम है ओम और आपको स्वागत करता हूँ ऑल इन वन SSR पर। आज मैं फिर से करने वाला हूँ क्विक अनबॉक्सिंग। इसके अंदर है एक काफ़ी अच्छा सा चीज़। अगर आप प्लांटेशन करने में पसंद करते हैं तो ये आपके लिए एक अच्छा सा प्रोडक्ट होने वाला है। अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कीजिए और ये वाले वीडियो को एक लाइक दीजिए। तो मैं इसको अभी ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये ओपन हो चुका है। बेसिकली इसके अंदर है 3 प्रोडक्ट्स। ये इसको आप बोल सकते हैं ऑल इन वन 3 प्रोडक्ट भी बोल सकते हो। इसके अंदर तीनों चीज़ें एक ही पैकेट के अंदर। ये खुल चुके हैं। तो गाइज़ ये तीनों प्रोडक्ट आए थे वो वाला पैकेट के अंदर। तो मैं पहला प्रोडक्ट आपको दिखा देता हूँ। ये बेसिकली एक है ट्री कटर। इसको आप नीचे करेंगे तो ये खुल जाएगा और इसमें से आप छोटा छोटा पेड़ पौधे काट भी सकते हैं। उसका डाल या फिर जो भी एक्स्ट्रा अनवांटेड होंगे उसको आप काट सकते हैं। ये एक सीजर है। ये काफ़ी बड़ा है साइज में और ये काफ़ी शार्प भी है। मैं इसको आपको काट के भी दिखाऊंगा। और ये है बेसिकली खोसने के लिए, मींस डिग करने के लिए ये एक चीज़ है। तो ये इसका मटेरियल भी काफ़ी अच्छा लगा। तो अभी चलते हैं बाहर और आपको ये तीनों का यूजेस बताता हूँ। सो लेट्स गो आउटसाइड। सो गाइज, मैं अभी बाहर आ चुका हूँ। इसका ब्लेड काफ़ी शार्प है तो पहले काट के देखते हैं। ये एक रोज ट्री का स्टेम है तो आप देख सकते हैं काफ़ी आराम से कट गया। और एक बार ट्राई करते हैं। तो ये रोज ट्री का स्टेम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है अगर मैं इसको काट दिया हूँ। और एक जगह भी मैं इसको लगा सकता हूँ। तो मैं ये स्टेम को और एक जगह लगा दूंगा तो वेस्ट ये बिल्कुल नहीं होगा। तो ट्राई कर लेते हैं हमारे सीजर से। तो इसका ब्लेड काफ़ी अच्छा है, शार्प भी है, बट थोड़ा मुश्किल हो रहा है कटने के लिए, बट फाइनली कट चुका है। तो अभी हम देख लेते हैं हमारे डिगिंग टूल का काम। तो आप देख सकते हैं ये मिट्टी में कितने प्रॉपरली गड्ढा कर रहा है और ये काफ़ी अच्छे से भी डिग हो चुका है मिट्टी में। तो अभी लगा देते हैं वो जो रोज प्लांट का स्टेम था। तो देखिए, मैं इसको वेस्ट भी नहीं किया हूँ और इसे अच्छे से लगा दिया तो ये अच्छे से बड़ा भी हो जाएगा और इसमें फूल आने भी लगेंगे। तो थोड़ा सा पानी दे देते हैं ताकि अच्छे से बच जाए। आप सभी लोग ये तीनों का वर्क देख ही चुके होंगे और ये प्लांट कटर या फिर ट्री कटर आपको बोल सकते हैं इसको। और मैं जैसे वीडियो के फास्ट में बताया था, इसका लॉक सिस्टम काफ़ी अच्छा है। जब आप इसको प्रेस करके ऊपर करेंगे तो ये लॉक हो जाता है और इसका ग्रिप भी काफ़ी अच्छा है। मुझे ये डिगिंग करने के लिए टूल काफ़ी अच्छा लगा। ये काफ़ी हैंडी भी है और ये सीजर भी काफ़ी अच्छा है, शार्प भी है। तो प्लांट इसमें से अच्छे से नहीं कट रहा था तो अभी एक बार ट्राई कर लेते हैं पेपर में। तो आप देख सकते हैं ये आराम से कट हो चुका है पेपर। तो आराम से आप इसे पेपर कट कर सकते हैं। तो काफ़ी शार्प है इसका ब्लेड और इसका ग्रिप भी काफ़ी अच्छा है। पर्सनली बताऊं तो ये तीनों टूल मुझे काफ़ी अच्छे लगा है। अगर आप इसको परचेस करना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जाके चेक करके ये ऑल इन वन 3 प्लांटेशन किट को परचेस कर सकते हैं। तो इतना ही इस वीडियो के लिए। मिलते हैं और एक न्यू फ्रेश वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।